नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय का स्नेह मिलन समारोह एवं विचार विमर्श कार्यक्रम उदयपुर जिले की जयसमंद स्थित गोगाजी महाराज के मुख्य मंदिर पर बुधवार को आयोजित हुआ, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ सहित मध्य प्रदेश और गुजरात के महंत संतों ने भाग लिया। इस दौरान कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्य धाम गोगाजी महाराज के महंत मोहनलाल शर्मा, मुख्य धाम रनेला कल्लाजी महाराज के महंत शंभू सिंह राठौड़ सहित अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय के महंत महेंद्र सिंह चौहान बिछीवाड़ा, महंत गोपालदास वैष्णव राजपुर, महंत अशोक परिहार उदयपुर, महंत भारत सिंह बांसवाड़ा, महंत भरतलाल अहारी डोला, महंत राम सिंह हड़मतिया, महंत कारूलाल हड़ात, महंत पदयात्रा गुरु देवी सिंह चौहान बनकोड़ा, महंत संतोष सिंह जाम्बुआ, महंत विनोद बंजारा, महंत भैरव सिंह, महंत अनोप परमार सागवाड़ा सहित कल्लाजी राठौड़ के परम भक्त मनोज खटीक, भूपेंद्र भट्ट ठाकड़ा आदि उपस्थित थे। इस दौरान क्या निर्णय लिए गए, देखिए पूरी रिपोर्ट। आज वीरपुरा धाम के अंदर कल्लाजी संप्रदाय का स्नेह सम्मेलन, जिसमें गातोड़ जी के तपस्वी गादीपति, कल्लाजी के माताजी के, भैरू जी के, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, मध्य प्रदेश, गुजरात से समस्त यहाँ पधारे और यहाँ पर संप्रदाय संबंधी जो कुछ समस्याएं आ रही थी, जिसमें महानुभावों ने यहाँ पर अपना प्रस्ताव रखे हैं, जिसके तहत हमारे पीठाधीश्वर श्री बाबजी मोहन जी वीरपुरा ने सुझाव दिया कि 7 व्यक्तियों या 9-11 व्यक्तियों की एक अस्थायी कमेटी बनाकर 31 दिसंबर जनवरी तक इसका यहाँ पर एक प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। इसके अंदर एक समस्त जिलेवार कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी द्वारा संप्रदाय का विकास और अन्य व्यक्तियों द्वारा जो यहाँ पर उनकी समस्याएं रखी गई थी, उसका निराकरण किया जाएगा, समस्त समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा और जो संप्रदाय जो शिथिल हुआ था कोरोना के कारण, वह गति दी जाएगी। आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र सिंह जी बिछीवाड़ा द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाएगा और बाबजी श्री का जन्मदिन 1 जनवरी को है, उसमें उन्होंने सबको निमंत्रण दिया है, समस्त गादीपतियों को, वह भी पधारे हैं। मैं आपके माध्यम से सूचना कर रहा हूँ और आने वाले समय में कल्लाजी और गातोड़ जी का जो स्नेह सम्मेलन रखा गया है श्री बाबजी कांतिलाल जी परमार साहब की द्वारा, और इसमें समस्त गादीपति यहाँ पधारेंगे और इस स्नेह सम्मेलन में आशीर्वाद स्वरूप कार्यक्रम रखा गया है। मैं आज इस विषय पर ज़्यादा कुछ ना कहकर हमारे पीठाधीश्वर बाबजी श्री मोहन जी बाबजी को आगे के लिए प्रेरित करता हूँ। परम आदरणीय कल्लाजी संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आज पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल और अन्य कारणों से जो स्नेह मिलन के जो कार्यक्रम 3 होते थे, 1 गातोड़ जी धाम वीरपुरा, रनेला धाम कल्लाजी का, 3 चित्तौड़, ये 3 कार्यक्रम थे। पर किसी कारणवश कतिपय व्यवधानों की वजह से ये स्नेह मिलन कार्यक्रम हो नहीं पाए। पुनः माननीय महेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ये वापस स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो माननीय स्वर्गीय भीम सिंह जी की क्षतिपूर्ति जो हमें हुई, उनकी वजह से संप्रदाय को चलाने में कुछ तकलीफें आने लगी। अध्यक्ष लोगों ने सर्वसम्मति से माननीय महेंद्र सिंह जी को मनोनीत किया, सब ने इसको स्वीकार किया, किंतु बिना हाथ पैर के, बिना कार्यकारिणी के इस संप्रदाय को चलाना कठिन हो रहा था। तो आज के दिन माननीय गोपालदास जी ने जो बात कही कि वो
11 व्यक्तियों की कमेटी के द्वारा एक महीने के अंदर निर्णय करके पूरे कलाजी संप्रदाय की कमेटी को गठित किया जाएगा और उसके आधार पर नियमों उपनियमों के आधार पर बना करके इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने की प्रयास किया जाएगा। साथ ही कलाजी महाराज घाटल जी महाराज की जो छवि है जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को कायम रखना है और इसको आगे बढ़ाना है। जो अभी वर्तमान समय में कुछ कमियाँ हो रही है कुछ ईश्वर के नाम पे आडंबर हो रहे हैं उनके रोकने के लिए भी आज चर्चा परिचर्चा की गई है। पुनः आप सभी लोग यहाँ पधारे और चर्चा में भाग लिया उसके लिए मैं अपनी तरफ से इन सभी संप्रदाय के लोगों को बधाई देता हूँ। आज वीरपुरा धाम में अखिल भारतीय कलाजी संप्रदाय की सभी गादीपति महान संत भक्त से पधारे हुए हैं। 2 साल के अंतर्गत में कोरोना काल की वजह से हम संप्रदाय की मीटिंग न कर पाने की वजह से आज सब वापस इस जाजम पर विराजमान हुए हैं। कई प्रकार के संप्रदाय में कमियां थी वो पूर्ति करने के लिए हमने निर्णय लिया है, कई बात रखी हैं, बात आगे चलाएंगे और संप्रदाय के साथ में चल के जहाँ भी जो कमी है वो कमी पूरी करेंगे, ऐसा हमने आपस में सुझाव लिया है। इसमें हमारे मुख्य गादीपति वीरपुरा से मोहन जी बाबू जी रनला बाबू जी गोपाल जी अशोक जी तमाम गादीपति सब जिले गुजरात राजस्थान MP से पधारे हुए सबको आभार करता हूं और साथ में सब साथ में मिलकर हम ये संप्रदाय का आगे बढ़ाने की निर्णय लिया है। जो सनातन धर्म आगे चलता है उस धर्म के प्रति हम आस्था और श्रद्धा रखेंगे और सबको साथ में लेकर चलेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अखिल भारतीय कलाजी संप्रदाय के इस स्नेह मिलन समारोह में मुख्य धाम वीरपुरा गातोड़ जी महाराज के प्रांगण में पधारे सभी तपस्वियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे लिए एक बड़ा ही सौभाग्य का दिन रहा है कि जहां हमने इस कार्यक्रम को विराम किया था और कोरोना काल की वजह से किसी भी प्रकार से संप्रदाय की कोई गतिविधियां चल नहीं पा रही थी, आज पुनः इसी प्रांगण से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हमारे 2 तपस्वी आदरणीय दलपत सिंह जी साहब बियोला धावड़ी से आज आपने सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की है और महंत जी श्री कांतिलाल जी साहब परमार आज उनका भी जन्मदिन है, तो एक पारिवारिक रूप में हम सब ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया है। आपसी संभाव प्रेम बना रहे और ठाकुर जी गातोर जी महाराज कल्ला जी महाराज के कृपा से उनके माध्यम से हम दिन दुखियों की और इस राष्ट्र की सेवा कर सके। जय श्री कल्याण। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।